Now, about my films which I've made, which I, you know, that I only talk of the human relationships. And we meet professor, uski kahani ka bhi pata hai. Main aise khol ke kahani nahi kahi, but detail mein aise jaise picture bani, wo bani. What I had to go through to make that film. Shami was the most person against me, get me out of the project. He did his best, couldn't happen. Because baat ek hi thi, main usse umar mein bada tha, ek hi ghar ka tha. To main usko daant sakta tha. Lad de mere na, ladega kya karega? Kahani jo chahiye thi, usko kahani meri bada achhi thi. Kahani deke bhi mujhe nikalne ki koshish thi. Nahi hua. Aage phir uske baad picture hit hui, dobara dikhne lagi. Professor ke baad humne abrar ne maine likhi prince. Isne nahi kiya picture. He refused to do the film. Isne apne aap ko khuda samjha, because he had the habit of telling people he was, he imagined big, that is the reason he could make himself big. He imagined himself, he is big. He is the director. Nasir Hussain bhi usse seekhta, Shakti Samanta bhi usse seekhta. Pata nahi unko khareedta aur tarikon se. But nahi, aise nahi hota. Ye isne jab inkaar kiya, professor maine nahi karni, prince maine nahi karni, so we decided to make Amrapalli. मैं छोटी उम्र में पहले ही था, मैंने आपको बताया कि हिंदी में पढ़ नहीं पाता, मेरी उर्दू में पढ़ पाता हूँ या अंग्रेज़ी पढ़ पाता हूँ. तो मैंने किताब बड़ी मुश्किल से, मेरा ख्याल है इफ़ नॉट रॉन्ग, पप्पी सोनी की सिस्टर ने मुझे बताई थी, शादी की नगर वधू, तो आचार्य सत्यनारायण शास्त्री की थी. मैंने पढ़ी, उसने सुनी, मैंने उसे अब्सॉर्ब किया, अंग्रेज़ी में पढ़ी. तो मेरे बड़े दिल में था कि ये पिक्चर बनानी है, क्योंकि मुझे एजाज शत्रु बहुत पसंद था. तो साहब मैं, वी डिसाइडेड टू डू इट. तो अब उस वक्त जब मैं बनाने जा रहा हूँ अमरपाली, तो हु इज द बेस्ट डांसर ऑफ द टाइम, वैजंती माला, देयर वाज नोबडी एल्स फिक्स्ड. अमरपाली हो गए, अमरपाली हो गया, अब कौन करे, हु विल प्ले एजाज शत्रु. अजाज शत्रु से बात हुई, तो अजाज शत्रु तो मैं, बापा जी धर्मेंद्र जी तो इससे बेटर और क्या हो सकता था. धर्मेंद्र जी से मैंने बात सोची, तो पंजाबी तो थी, उनमें पंजाबी तो थी, कैसे किया जाए. तो विजयंती से बात करें, आप, उन्होंने रिकमेंड किया, क्या बात करके देखो. अब सुनील दत्त जी से ले, सुनील दत्त जी को अप्रोच किया, टेस्ट दिया, सब बहुत बढ़िया हो गया. नाउ भानु थैया के पास पहुंचा, क्यों ड्रेस कॉस्ट्यूम करने के लिए उसको भी तो कोई डिज़ाइनर चाहिए ना. तो मैं यश चोपड़ा से मैंने सुना, इधर उधर से मैंने सुना, तो उनके बारे में सुना, उनके घर चला गया, उनको दिया. अब उन्होंने डिज़ाइन किया, हमने शूटिंग की, शूटिंग की. तो मैं प्रिंस ऑफ वेल्स में मिस्टर सागर थे प्रीम, उनको आगे जाके दिखाएं जो हमने किया कुछ ठीक है. बिकॉज वी वॉन्ट टू डू द ट्रू टू द टाइम. We didn't want to do things like any haphazard. We wanted to do true to the time. तो उसने कहा नहीं, जा फिल्म वाले कुछ काम बात कर सकते, निकाल दिया. उन्हें कम बात ही नहीं सुनी, निकाल दिया. खैर अब शूटिंग करने जाना था कहीं आउटडोर में, तो प्रिंस किंग ऑफ नेपाल हैड कम टू सी प्रोफेसर. उनको दिखाया प्रोफेसर, उन्होंने कहा तुम वही यू कम टू नेपाल एंड शूट देयर अमरपाली, आउटडोर वहाँ कर लो. तो हम ने कहा चलो, मेरे साहब ने कहा चलो चलते हैं. तो रास्ते में पटना उतरना पड़ता था. पटना में प्रोफेसर योगेश मिश्रा, दी अथॉरिटी ऑन अमरपाली, वो हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड थे. उन्होंने कहा, मैं कहा कि उनको जा के मिलता हूँ, पूछता हूँ. मैं पहले घूमा था म्यूजियम में, म्यूजियम में देख के चकरा गया, ये हिंदुस्तान की कल्चर है, ये हमारे क्या है. मैंने किताबें देखी थी, पिक्चरें देखी थी, लेकिन आई लाइक फोटो अजंता लोरा सब देख चुका था, कुछ पढ़ चुका, ऑब्जर्व कर चुका था. लेकिन वहाँ तो मेरे को एक स्टैचू देखने के बाद ना क्या हो गया, मैं कहा योगेश मिश्रा कहाँ जाना. योगेश मिश्रा जी के घर गया, उस दिन संडे था, छुट्टी थी. तो एक उनके घर गया, तो चार भैंसे इधर, चार भैंसे इधर, बीच में एक दरख्त के नीचे योगेश मिश्रा का हुक्का लिए हुए लेट के, मुझे गाँव याद आ गया अपना. मुझे लगा अपना ही आदमी है,
मैंने उनको फाइल दी देखने के लिए, दिया तो लेटे थे ऐसे कोने पे लेटे थे ऐसे पलट रहे थे, सीधे उठ के बैठ गए देखते रहे। अगर अमरपाली अगर वैजयंती विशाली थी तो यही थी, यही थी वैशाली, यही थी, यही थी, यही आखिर तक है। अब बेटा मुझे सुनाओ कहानी क्या है। मैंने कहानी सुनाई, कहने लगे तूने जिमर पढ़ा? मैं जी हाँ। कुमार स्वामी पढ़ा? मैं जी हाँ। कभी किसी हिंदुस्तानी को पढ़ लेते तो कहानी गलत है। वो अजात शत्रु नहीं था जो अमरपाली के साथ इश्क किया, वो उसका बाप बिंबसार था। अजात शत्रु ने पकड़ के उसको अंदर कर दिया था अपने बाप को। दी ओनली इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री जिसमें किसी बाप किसी बेटे ने अपने बाप को कैद किया हो, वो उसका इश्क बिंबसार के साथ। मैं शर्मिंदा हो गया, मैंने कहा भी जो हो गया हो गया, तीन रील बन गई, अब तो नहीं चलने वाले वापस, करो इसको पूरा। मैं जवान, यंग, इमेच्योर एज कम्पेयर टू विजयंती माना इन द डांसेस, एज कम्पेयर टू द आग डायरेक्टर, एज कम्पेयर टू आशीर्कर साहब, ये कि तो कभी मिलने वाले नहीं मुझे, आज मिल गए हैं फिर अमरपाली बाद में कब बनेगी कब नहीं बनेगी, पर ये आदमी ऐसे मुझे ऐसे नहीं मिलने वाले। वो उन लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी खड़ी कर दी, मैं कुछ नहीं था उनके साथ, दे वर द ग्रेट्स। और फिर उससे ऊपर शिलिंदर, शिलिंदर को मैं बहुत याद करूंगा, उसने पिक्चर में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। शिलिंदर कहानी सुनी, गाने शंकर जयकिशन, तो पहला गाना रिकॉर्ड होने का, तो पहला गाना तो लता भाई आई, तो उन दिनों में क्या होता था, एक गाना सिंगर यूज टू रिहर्स विद द म्यूजिक डायरेक्टर, देन विद द म्यूजिशियंस, एंड देन देयर सॉन्ग यूज टू बी रिकॉर्डेड। और आई लता भाई ने रिहर्सल की, गाना जाग गाना था कोई और सॉन्ग और था कोई, मेरे को इस वक्त अभी याद आया आरके का गाना था। तो दूसरे दिन फिर अब म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल थी, तो लता भाई कहने राज साहब का रात को टेलीफोन आया था कि ये गाना तो उनका है, ये तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते कोई सिलेंडर। अब ये भी नहीं कि आज की म्यूजिशियन सारे कैंसिल कर दिए जाए, शुभ बात भी नहीं है, नया गाना तो होना ही चाहिए ना। तो सिलेंडर कोई गाना है? नहीं गाना तो कोई नहीं है, मैं एक मुखड़ा सा है मेरे पास। जा उन्होंने कहा क्या मुखड़ा है? उन्होंने कहा प्यार की जागोरे जावरे जोगी जावरे, ये प्यार की नगरियाँ प्यारी है पूजा। आशा भाई लता भाई ने कहा मुझे म्यूजिक तो म्यूजिक पियानो पे उसने थोड़ा सा गाया, फिर शैलेंद्र जी ने ज्वाइन किया तो उसका मुखड़ा बन गया। अब फिर उन्होंने फिर ट्यून बनाई तो अंतरा बन गया। अब शैलेंद्र तुम जाके लिख के लेके आओ। अब ये 11 बज गए हैं, 11 बजे शैलेंद्र कहना चलो गाना लिखना, 1-3 बजे रिकॉर्डिंग है। म्यूजिशियन उनकी 2 रिहर्सल हो चुकी, 3 बजे एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। हम गए नेशनल पार्क, 4 बोतलें बियर की सिलेंडर साहब को चाहिए, वो चले हैं चुने हैं चने हैं चुने हैं चुने भाई लेख म्यूजिशियन गाना नहीं होता। मैं क्या आप जाके बोलो प्रोड्यूसर को जिनको पैसे पड़ने वाले हैं इतने म्यूजिशियन के, और आप लता भाई को मैं नहीं बोलने वाला, चलो चलते हैं। आए तो थिएटर में घुस गए, तो थिएटर में ऐसे था कि जैसे ये म्यूजिक रूम है या पूरा ग्लास लगा, पीछे म्यूजिशियन बैठे हैं, तो पीछे लता भाई बैठी हैं, लता भाई के पीछे म्यूजिशियन बैठे हैं, तो इधर रिकॉर्डिंग रूम था, तो मैं तो रिकॉर्डिंग रूम में घुस गया तो आई कुड सी शैलेंद्र गया। हाँ शैलेंद्र क्या लिखा गाना तुम? 2 रिहर्सल हम 3 रिहर्सल कर चुके हैं, अब तुम अभी तक आए नहीं तो ये कोई तरीका यार, हाँ बोल क्या लिखना है। उन्हें पूछा ही नहीं क्या, वो भूलते उन्हें भूलना शुरू कर दिया, सही वो भूलने लगा। तो आशा जी ने कहा मुझे 3 अंतरे नहीं, मुझे 6 अंतरे नहीं चाहिए, 3 अंतरे बात होते हैं, ये 2 अंतरे बात होते हैं, 3 बोल। गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या गाना है, उसकी एक लाइन है, प्यार की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये प्रेम की ये नगरी या प्रेमी है पूरा जा। क्या गाना लिखा, आज तक दुनिया याद रखती है उसका उस म्यूजिक को। और
ये नहीं या किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया, उन्होंने कहा ये काम ये कर सकता है, मैं इतना नहीं अच्छा कर सकता, मेरे को गाना को तो मैं मांग लूँगा, क्यों वो मेरे दोस्त थे, करीब थे मेरे थोड़ा सा जैकी सिंह जी, बट लेकिन दे वर वेरी ऑनेस्ट टू द वर्क जॉब, दिस जॉब ही कैन डू बेटर। शंकर जी ने शुरू किया, अमरपाली बनी, आप अमरपाली बनी तो पहले तोड़ गई, उसमें जब उद्धम शरणम गच्छामि लोग मजाक उड़ाने लगे, इट इज़ पास्ट बाई श्रीलंका ओमनी धम, हमने बड़ा मेथोडिकल किया था सर दैट नो बुद्धिस्ट कंट्री टेक एनी ऑब्जेक्शन ऑन द लास्ट मोमेंट ऑफ बुद्धा व्हेन ही डाइड, हम वो ठीक होना चाहिए, हम बुद्धिस्ट को बुला बुला के उनके सामने रख रख के उनके सामने खड़े होकर किया। तो हिंदी क्लिश थी उस जमाने में, इतनी इतनी क्लिश नहीं होती थी, क्यों जमाना का फीलिंग देने के लिए अर्जुन देव रश्क ने हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, तो वो पहले हवा गलत उड़ी। बाद में एक वक्त में हुआ, मैंने पूछा मेरा साहब से, मेरा साहब ने कहा लेकिन तू बता मेरी किस पिक्चर से, मैंने बहुत कमाया, मैं प्रोफेसर जी और कौन सी, कहते नहीं अमरपाली, अमरपाली ये है अमरपाली की कहानी। आज भी 26 प्रिंट एवरी ईयर बुद्धिस्ट कंट्रीज बाय टू टीच इन देयर स्कूल्स एंड इन देयर कॉलेज इन देयर इंस्टीट्यूशन। कुछ और भी बातें वॉर की, हम सहारनपुर गए शूटिंग करने, वॉर सीक्वेंस करने गए, वहाँ रिमांड डिपो है, वहाँ हॉर्स ब्रीडिंग होती है आर्मी की, तो वो हॉर्सेस तो बहुत थे, द गवर्नमेंट गेव अस द परमिशन टू शूट द एंड द सोल्जर्स ओवर देयर द कमांडर्स ओवर देयर वर वेरी हेल्पफुल। एक घोड़ा तो बड़ा बिगड़ गया, तो कमांडर जो थे वहाँ के इंचार्ज जो थे वो हाथियों से डरता था घोड़ा, उस चारों हाथियों को घेर के बीच में घोड़ा खड़ा कर दिया, उसको भागने लगे मारे, टिल द ट्रेन इन द रॉस बिके द हॉर्स बिकेम यूज टू द एलिफेंट्स, दैट इज द हेल्प दैट वी गॉट व्हेन वी फॉट देम द वॉर सीक्वेंस वी टॉट देम। एक्चुअली द मैन डाइड इन द वॉर, एक आदमी मर गया, अरे बाप रे, मन में दे रियलाइज के दे एक्चुअली टुक वॉर एज वॉर, दे डोंट दे आर सोल्जर्स, दे आर एक्स्ट्राज एंड वी यूज टू कैमराज एंड दैट बिकेम एडवांटेज, दैट वाज साइन, इट केम आउट वेरी वेल। और एक उनके इंचार्ज जो थे हमको, जो हमको दिया गया था, उनसे मैं बात कर रहा था तो एक आदमी यंग मैन आया, कैप्टन कहता व्हाट हवलदार साहब व्हाट आर यू डूइंग, इज दिस द टाइम, दिस द वे टू दिस टाइम हॉर्सेज आर बीइंग नॉट फेड, दिस टाइम नॉट बीइंग नॉट, उसको डांट पड़ी बड़ी तगड़ी तरह, कहते यस सर, वो चला गया तो टोपी उतार के कहा आराम ज्यादे घर आ रहे, तेरे को जूते मार मार के तेरा बुरा हाल ना किया, तो मैंने मुझे कहा मैं कौन है, ये यह मेरा बेटा है, इज माई सन एंड इज सच नाइस आर्मी, सो इम्प्रेसिव ऑफ दिस कंट्री, सो गुड पीपल, सो डिसेंट, जितने को भी मिलने में चांस मिला है मेरा, आई एम वेरी हैप्पी, वैन दे आर सोल्जर दे आर वेरी गुड, वैन दे आर हजबेंड आई डोंट नो वट दे आर, बट सोल्जर्स आर वेरी गुड एंड ह्यूमन बींग्स आर वेरी गुड। हाँ एक इंसिडेंट और है, सिंगापुर अपना श्रीनगर में मिसेस राजपूत खाना खा रहे थे एंड राज साहब वॉज ड्रंक, इट इज हिज वाइफ, एनी मैन कैन बी नास्ती टू हिज वाइफ, मैन ड्रंक तो सारे मोस्टली नास्ती हो जाते हैं, ए सोल्जर टू सोल्जर सिटिंग ऑन ए डिस्टेंस एंड आई मीन सम मेजर ऑफिसर, बड़े ऑफिसर थे, ही केम, वन सोल्जर केम एंड पुट हिज फुट डाउन इन हिज प्लेट इन फ्रंट ऑफ, इफ यू स्पीक वन मोर वर्ड टू लेडी विल ब्रेक योर नेक एंड ही वॉक्ड अवे। राष्ट्रपुर किसे लगे भाई, वो मियाँ भी किस तरह कुछ हो सके, लेकिन न तो आर्मी, आई वेंट टू आर्मीज ऑफिसर्स, बस सुबह बड़े पूरे यूनिफॉर्म पहनी, सब कपड़े पहने लेते, मैं आप जलंधर गया मेरे यहाँ पर ऐसा क्यों भेज लेते, उन्हें मुझे बोला था मैं मिलने गया, ऐसा क्यों करें, कहने यार पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है ना, अभी है कुछ गड़बड़ होने वाली लग उम्मीद है, बैठे हैं तैयार हो गए गप्पे मारे, वेरी वेरी अनदर इंसिडेंट ऑफ शूटिंग इन श्रीनगर, एक हेलीकॉप्टर गेम और मैं कहूँ नीचे जाएं शोर मच रहा है, वो हेलीकॉप्टर से नीचे आया, उसने कहा आई हैव कम, सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू,
tonight you are having, all of you are having dinner with me in the club and vendor. We all dinner with them. So nice, so nice. My experience of Amrapalli was very, very good.